दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसके अंदर भाई ना तो आपको पैन कार्ड देना है, ना आधार कार्ड देना है और ना ही इनकम प्रूफ देना है। मात्र और मात्र आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरीफाई करेंगे और भाई आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले लाइव मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई, मात्र और मात्र मैंने मोबाइल नंबर फिल किया, ओटीपी से मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया और इस एप्लीकेशन में मुझे 15,000 रुपए की पे लेटर लिमिट देखने को मिल चुकी है। आप यहाँ पर लाइव मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लोन एप्लीकेशन है काफी जबरदस्त है, काफी इंटरेस्टेड है। बने रहे इस वीडियो में, कौन सी ये एप्लीकेशन है, किस प्रकार भाई पे लेटर लिमिट के लिए आप अप्लाई करेंगे और भाई अगर आपको लिमिट मिल जाती है तो इस लिमिट को आप किस प्रकार खर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विस में इस लिमिट को आप काम में ले सकते हैं, ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो भाई बने रहे इस वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भाई आप यहां पर देखेंगे तो हम मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं और आपके सामने एक एप्लीकेशन शो हो रही होगी। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आप मेक माई मनी ट्रिप की इस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। भाई लिंक पर क्लिक करके ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस एप्लीकेशन से हूबहू मिलती काफी सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अब भाई इस एप्लीकेशन का नाम देखकर तो यह लगता है कि भाई ये कोई ट्रिप से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, जिससे कि आप होटल के रूम वगैरह बुक कर सकते हैं या फिर बस की टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं या फिर फ्लाइट की टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही एप्लीकेशन है। लेकिन भाई इस एप्लीकेशन में अब आप पे लेटर अपनी लिमिट भी यहां पर अप्रूव करवा सकते हैं और इस लिमिट में भाई आप काम भी ले सकते हैं, इस लिमिट को आप खर्च कर सकते हैं। लिमिट को आप किन किन चीजों में खर्च करेंगे मैं वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पहले भाई इस एप्लीकेशन से आप अपनी पे लेटर लिमिट किस प्रकार अप्रूव करवा सकते हैं वो हम यहां पर लाइव देखने वाले हैं, वो भी बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड, बिना इनकम प्रूफ, मात्र मोबाइल नंबर से। तो चलिए दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद भी सिंपली से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे तो एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। एप्लीकेशन का सबसे पहला इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले भाई आपकी जो भी सुटेबल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का चुनाव आप यहां पर कर लेंगे। तो आप इंग्लिश चुन सकते हैं, हिंदी चुन सकते हैं या फिर भाई आप तमिल चुन सकते हैं। तो ऑफिशियल में इंग्लिश पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही भाई आप यहां पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी एक ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो सभी ईमेल आईडी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो भाई एक मेल आईडी पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप मैनुअल भी ईमेल आईडी आप यहां पर फिल कर सकते हैं। तो भाई हम यहां पर एक ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ईमेल आईडी पर क्लिक करते हैं तो भाई इस एप्लीकेशन के अंदर हम सक्सेसफुली आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले भी भाई आपको अपने मोबाइल नंबर भी इस एप्लीकेशन में देने होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई आपसे मोबाइल नंबर यहां पर मांगे जा रहे हैं। तो ध्यान रहे आपको वही मोबाइल नंबर यहां पर देना ही होंगे, वही मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में देना होगा जिससे कि आप अपना व्हाट्सएप चलाते हो और रेगुलर बेसिस पर अपने मोबाइल नंबर को यूज करते हो, वही मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल करेंगे ताकि आपकी जो लिमिट है वो अप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो चलिए दोस्तों मोबाइल नंबर यहां पर फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, ओटीपी को भाई आप यहां पर फिल कर देंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल यहां पर वेरीफाइड हो चुके हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर हम सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब भाई ऊपर में देखेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप काफी सारी सर्विसेज में काम भी ले सकते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन से आप फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। अगर भाई आपको ट्रेवल्स करने का काफी ज्यादा शौक है या फिर होटल में रूम लेकर रुकने का काफी ज्यादा शौक है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। तो इस एप्लीकेशन से भाई आप फ्लाइट की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, होटल में रुकने के लिए टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, कोई हॉलीडे पैकेज वगैरह इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं, ट्रेन या फिर बस की टिकट इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों ये सभी टिकट्स आप अपने फोन पे या फिर पेटीएम से पैसा कटवा कर ही बुक कर पाएंगे। लेकिन भाई इस एप्लीकेशन में एक पे लेटर की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे कि आपको जितने रुपए की क्रेडिट लिमिट मिलती है उसी लिमिट से आप ये सभी टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। इस पे लेटर का जो बिल है भाई बाद में आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो भाई ये पे लेटर लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको एक सर्विस नजर आ रही होगी ट्रिप मनी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई नीचे आपको यहाँ पर ट्रिप मनी की एक सर्विस नजर आ रही होगी, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब भाई आप यहाँ पर पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक पे लेटर की सर्विस नजर आ रही होगी, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब भाई सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं आपको जो क्रेडिट लिमिट मिल रही है, जो पे लेटर लिमिट मिल रही है वो ऐसे ही नहीं मिल रही है भाई, ये जो लिमिट है ये भी एनबीएफसी के थ्रू ही आपको मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे जो एनबीएफसी
पार्टनर है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहे होंगे। इसके काफी सारे लैंडिंग पार्टनर आपको यहाँ पर नीचे नजर आ रहे होंगे। इन लैंडिंग पार्टनर के थ्रू ही भाई ये जो क्रेडिट लिमिट है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट लिमिट के कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जितनी भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी उस क्रेडिट लिमिट का जो बिल बनेगा भाई 15 दिन से 18 महीने का बिल बनेगा, यानी कि आपको जितने अमाउंट की क्रेडिट लिमिट मिलेगी उस अमाउंट के हिसाब से आपको बिल पे करने का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वही 0 लगेगा, आपको एक भी रुपया ब्याज यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। नो पेपर वर्क, आपको किसी भी प्रकार का पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, मात्र ओटीपी के थ्रू आपकी जो क्रेडिट लिमिट है अप्रूव यहाँ पर कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब ये क्रेडिट लिमिट अप्रूव करवाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एंटर मोबाइल नंबर पर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड चेक एलिजिबिलिटी पर नीचे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर मोबाइल नंबर वापस एक बार फिल करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी और ऊपर में भाई उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए दोस्तों वो जो ओटीपी हम यहाँ पर मिली है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैं आप ही के सामने कर रहा हूँ, लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई वीडियो को एक लाइक तो यहाँ पर बनता ही बनता है और साथ ही में एक प्यारी सी कमेंट भी हमारी इस वीडियो पर आप लोग कर सकते हैं। तो भाई ओटीपी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, इसके बाद में सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा तो हमें पता चल जाएगा हमारी एलिजिबिलिटी, क्या हमें क्रेडिट लिमिट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे इस अकाउंट पर हमें जो क्रेडिट लिमिट है भाई यहाँ पर नहीं मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर इज नॉट एलिजिबल, यानी कि पे लेटर लिमिट पाने के लिए हम यहां पर एलिजिबल नहीं है। अगर भाई इस एप्लीकेशन को आप पहले से इस्तेमाल किए होंगे या फिर एक दो टिकट कभी आपने भविष्य में पहले बुक की होगी तो यहां पर 100% आपको क्रेडिट लिमिट देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इस एप्लीकेशन से क्रेडिट लिमिट पाना ही है तो आपने नया अकाउंट ओपन किया है तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहां पर एक दो टिकट यहां पर पहले बुक कर ले किसी भी होटल से या फिर बस की या फिर फ्लाइट की या फिर ट्रेन की किसी भी एक टिकट यहां पर बुक करे। इसके बाद में आपको पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए आपको अप्लाई करना है ताकि आपकी जो पे लेटर की लिमिट है वो एक्टिवेट होने के काफी ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो भाई मेरे दूसरे अकाउंट पर मुझे यहाँ पर पे लेटर लिमिट मिली थी वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर दूसरे अकाउंट पे मैंने मोबाइल नंबर फिल किया है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुकी है, उस ओटीपी को भाई मैं एक बार वापस से आप ही के सामने यहाँ पर फिल करूंगा एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा। तो चलिए दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है, आप इसे हमने लाइव प्रोसेस में यहाँ पर कर रहा हूँ, ओटीपी आ चुकी है। भाई मैं ओटीपी को यहाँ पर फिल करता हूँ एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल पे लेटर लिमिट, यानी कि इस हमारे दूसरे अकाउंट पर हम ये जो पे लेटर लिमिट पाने के लिए हम सक्सेसफुल यहाँ पर एलिजिबल है। अब आप यहाँ पर देख सकेंगे नीचे बुक योर ट्रिप नाउ के बटन पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हमारी एप्लीकेशन एक बार क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद में हम वापस से एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एप्लीकेशन को वापस ओपन करते ही भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट पर हमें पूरे 15,000 रुपए की पे लेटर लिमिट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। हमारी अवेलेबल लिमिट के अंदर हमने 0 रुपए यहाँ पर खर्च किया है और टोटल हमारी पे लेटर लिमिट अब फिलहाल 15,000 रुपए यहाँ पर है। अब इस 15,000 रुपए को भाई सभी प्रकार के आप टिकट यहां पर बुक कर सकते हैं, सभी प्रकार के होटल्स के रूम आप यहां पर बुक कर सकते हैं एंड इस क्रेडिट लिमिट को आप लोग यहां पर खर्च कर सकते हैं। लगभग आपको 1 से 2 महीने के बाद में इस क्रेडिट लिमिट का बिल बनेगा, बिल आप वापस पे कर देंगे तो ये जो क्रेडिट लिमिट है भाई धीरे धीरे करके इंक्रीज यहां पर कर दी जाती है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा फिर भी आपको और भी कोई कंफ्यूज है फिर सवाल जवाब इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।